नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में भाजपा महिला मोर्चा लाभार्थी सेल्फी कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लाभार्थी सेल्फी कार्यक्रम का आयोजन निरसा विधानसभा अंतर्गत 11 कुंड मुंडा धौड़ा में किया गया। महिला मोर्चा अध्यक्ष जया कुमारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की लाभार्थी सेल्फी कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत आज बैठक की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ सेल्फी लेनी है। महिलाओं को योजनाओं का जो लाभ दिया गया है, सभी लाभार्थी का सेल्फी लेनी है, उसी सब का सर्वे किया जा रहा है। भाजपा विधायक और सांसद होने के बावजूद भी 11 कुंड मुंडा धौड़ा में ना नाली ना रोड है और गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। सही में इस क्षेत्र में अभी भी नाली रोड और गंदगी दिखाई दे रही है। इस पर विधायक और सांसद से इस विषय में बात की जाएगी। मौके पर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष जया कुमारी, महामंत्री महिला मोर्चा नीतू शंकर, रेखा देवी, रानी सिंह, मंडल अध्यक्ष रंजीत मोदी, मिथिलेश कुमार, पूनम सिंह, नीलम देवी, शोभा देवी सहित लाभार्थी महिला उपस्थित थे। आइए जानते हैं जया कुमारी अध्यक्ष भाजपा जिला महिला मोर्चा ने क्या कहा है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। सेल्फी लेने का हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है भाजपा का, ये महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। हम लोगों को 1 करोड़ सेल्फी लेना है, ये हम लोगों का टारगेट है। तो उसी के तहत आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ महिलाओं के बीच में, और जिसको जो लाभ मिला है वो लाभार्थी जो हैं उनका एक सर्वे चल रहा है। हम लोग एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी महिलाओं को किस योजना के तहत लाभ मिला है, यहाँ कितनी योजना को लाभ मिला है, यहाँ कितनी महिला। अभी तो हमारे बीच करीब करीब 25-30 महिलाएं हैं, सभी को कुछ न कुछ लाभ मिला है। किसी को उज्ज्वला शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हम लोगों का चल रहा है, करीब एक पखवाड़े से ज्यादा से चल रहा है। एक कार्यक्रम से हट के सवाल है जी, कि इस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते रहता है, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन यहाँ पर विकास नाम का कुछ नहीं है। गरी गंदगी है, ना नाला है, ना रोड है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये दोषारोपण करना थोड़ा आसान है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, कार्यक्रम चल रहा है और वो लोग सचेत हैं, सक्षम भी हैं, सचेत भी हैं। ऐसा नहीं है, दोषारोपण जो बात आपने लगाई है तो देख सकते हैं, ये दोषारोपण की बात नहीं है, हम लोग तो आंखों देखी वाले बात नहीं, आंखों देखी आपकी जो बात है वो आपका कहना सही है, वो अभी मुझे भी दिख रहा है। ये बात हम लोग विधायक तक भी पहुँचाएंगे और सांसद महोदय तक भी पहुँचाएंगे। अभी मैंने महिलाओं के साथ देखा, ये मुझे भी लगा कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी जी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आप फूट जो जिस एकता जो बना हुआ था वो बहुत फूट वाला में आ गया है, इतनी फूट हो गई है। मैं इस बात को नहीं स्वीकारती हूँ, बिल्कुल नहीं, कोई फूट हमारे बीच नहीं है, नहीं है। आप देखिए हमारी सारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं हैं, हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम लोग संगठनात्मक नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं, कोई फूट हमारे बीच में नहीं है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, संगठन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है और इसका आपको नतीजा हम लोग 24 में भी दिखा देंगे कितना हमारा मजबूत संगठन है।